प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा आभासी या काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर उतारा जा सकता है और जिसमें परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जो हैं वास्तव में मिलती हैं, वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वह प्रतिबिंब जिसमें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आती हैं, वो किसी दर्पण पर पड़ती हैं या किसी लेंस में से गुजरती हैं और उसके पश्चात वो एक बिंदु पे आके मिल जाती हैं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे होते हैं जिनको पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। दूसरे होते हैं आभासी अथवा काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी अथवा काल्पनिक प्रतिबिंब प्रतिबिंब आभासी अथवा काल्पनिक प्रतिबिंब कौन से होते हैं? जिनमें प्रकाश की किरणें परावर्तन मतलब किसी दर्पण से टकराकर वापस आना, अपवर्तन मतलब लेंस में से गुजर जाना। तो किसी परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाश की किरणें मिलती नहीं हैं लेकिन एक स्थान से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, फैलती हुई नजर आती हैं, ऐसे प्रतिबिंब को हम काल्पनिक प्रतिबिंब या फिर आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब वास्तव में प्रकाश की किरणें मिलती नहीं है और ना ही फैलती हैं, लेकिन फैलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि एक बिंदु से आ रही हैं, जबकि वो उस बिंदु से नहीं आ रही होती। ऐसा केवल प्रतीत होता है।
जब प्रतीत होता है तो वो काल्पनिक चीज है, आभासी चीज है, इसलिए उस प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। ऐसा प्रतिबिंब जिसमें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें की किरणें अपसरित, अपसरित मतलब फैलती हुई, अपसरित होती हुई यानी फैलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। इसके बाद समतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब के गुण, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके क्या विशेषताएं होती हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषताएं, देखिए नंबर एक, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है यानी काल्पनिक होता है। आपने देखा होगा कि प्रतिबिंब हम समतल दर्पण में हर रोज देखते हैं, अपना मुंह देखते हैं, घरों में होता है, हम जितना उस दर्पण से दूर खड़े होते हैं प्रतिबिंब भी उतना ही अंदर बनता है, और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं उसके अंदर कोई जगह नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रतिबिंब बाहर की तरफ निकल जाता, ऐसा नहीं होता है, प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है जितना वस्तु होती है। तो आप लिखेंगे समतल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। आभासी की पहचान क्या है, देखने में क्या पहचान है? आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। अगर कोई प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, सीधा का सीधा ही दिख रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, आभासी है। नंबर दो,
समतल दर्पण में सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब बनता है। नंबर 3, प्रतिबिंब वस्तु यानी बिंब, बिंब का मतलब वस्तु के आकार का होता है। जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नंबर 4, आकार का मतलब साइज, साइज का होता है, उसी साइज का बनता है। यानी जितना बड़ा बिंब होगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी, प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दर्पण से दूरी के समान होती है। दूरी के समान होती है। जितनी दूर वस्तु होती है उतनी ही दूर प्रतिबिंब बनता है वस्तु से। नंबर 5, जो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है उसमें दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग सदैव दायां दिखाई देता है, यानी कि पार्श्व परिवर्तन होता है उसमें। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब बनता है। पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब बनता है। अभी इसके बाद करेंगे हम पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। मतलब जिसमें दायां भाग बायां दिखाई दे और बायां भाग दायां दिखाई दे उसे हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो पार्श्व परिवर्तित होता है। उसमें बायां भाग दायां दिखाई देता है और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। ये प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। तो इसमें एक शब्द आ गया पार्श्व परिवर्तन, तो हम उसको करते हैं कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व होता है साइड वाइज, यानी दायां बाईं ओर, बायां दाईं ओर। ये पार्श्व, दायां बायां जो होता है ये पार्श्व होता है। तो जब भी किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखा जाएगा तो उसका दायां भाग हमेशा बाईं ओर नजर आएगा और बायां भाग हमेशा दाईं ओर नजर आएगा। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है या समतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां नजर आता है, प्रतिबिंब में
बायां नजर आता है तथा बायां भाग दायां नजर आता है, बायां भाग दायां नजर आता है। इसे हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। प्रतिबिंबों का इस प्रकार से दिशा परिवर्तन को वस्तु की इस दिशा परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। इसमें बायां भाग दायां नजर आता है और दायां भाग बायां नजर आता है, ये पार्श्व परिवर्तन है। जैसे समतल दर्पण के सामने आपने वैसे भी देखा होगा एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है। उल्टा क्यों लिखा होता है? ताकि वो सीधा नजर आए। जैसे ए एम बी यू एल ए एन सी ई ऐसे लिखा होता है, और जब इसको हम इसमें देखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा नजर आएगा। ए एम बी यू एल ए एन सी ई, बायां भाग दायां, ये नज़दीक है तो नज़दीक बनेगा, दूर वाला दूर बनेगा, और बायां भाग दायां नजर आएगा। इस प्रकार से इस परिवर्तन को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आप इसके सामने ऐसे ए लिख दीजिए तो यहाँ पे ए कैसे बनेगा? ऐसे नजर आएगा। यहाँ आर लिखा जाएगा तो ऐसे नजर आएगा। तो बायां दायां और दायां बायां सेम साइज का, सेम डिस्टेंस नहीं, उतनी ही दूरी पर बना होगा। इसको हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, इसके बाद क्या शुरू हो जाता है? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण मतलब जो गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण क्या है कि ऐसा कोई भी दर्पण जो एक बहुत बड़े खाली गोले का भाग हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो खोखले गोले के भाग को गोलीय दर्पण कहेंगे। ऐसा दर्पण जो किसी जो कांच के किसी खोखले गोले का भाग हो, कांच के किसी खोखले गोले का, खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे बहुत बड़ा खोखला गोला हो कांच का और उसका हम एक भाग ऐसे काट लें
तो ये ऐसा नजर आएगा साइड में से, और सामने से देखेंगे तो ऐसे गोल नजर आएगा। इसको अगर हम पॉलिश कर दें तो ये दर्पण बन जाएगा। अब हम इसको किस तरफ से पॉलिश करते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। यदि हम इसको अंदर की तरफ से पॉलिश करेंगे तो ये उत्तल दर्पण बन जाएगा, और बाहर की तरफ से पॉलिश करेंगे तो यही अवतल दर्पण बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये दर्पण, जैसे ये है, ये गोलीय दर्पण का भाग है, ये गोलीय दर्पण है सॉरी, ये खोखले गोले का भाग है। इसको इधर से पॉलिश कर दिया, अंदर से पॉलिश किया है ये, तो ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ये जो है उत्तल दर्पण है। अगर इसको हम इस तरफ से पॉलिश कर देते और ये इस तरफ से पॉलिश कर देते और ये अंदर की तरफ ऐसे, तो ये क्या बन जाता, अवतल दर्पण बन जाता। तो ये गोलीय दर्पण है। सामने से देखेंगे ऐसे ऐसे नज़र आएगा, साइड से देखेंगे तो हमें एक बिल्कुल पतली सी परत नज़र आएगी। तो गोलीय दर्पण जो है ऐसा दर्पण जो किसी एक खोखले कांच के गोले का भाग हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और दूसरे अवतल दर्पण। नंबर एक उत्तल दर्पण और नंबर दो अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण, क्योंकि दर्पण दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल परावर्तक तल परावर्तक तल कौन सा होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। परावर्तक तल, ये तल जहां से ये परावर्तक तल है, इस तल को क्या कहेंगे, परावर्तक। जिधर से हम देखते हैं वो तल कौन सा होता है, परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी इसका अंदर का तल हमेशा जो है क्या होता है, पॉलिश किया हुआ होता है, तो ये उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देते हैं, तो इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को, जो प्रकाश की किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं उनको, प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देते हैं। इसलिए इनको हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसलिए
समतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। देखिए प्रकाश की किरणों को कैसे, जैसे ही प्रकाश की किरणें इसके ऊपर आएंगी तो इस तरह का होता है, प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी तो ये इधर फैला देगा, इसको इधर फैला देगा, ये आई इधर फैला देगा, तो इस तरह से प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, अपसरित कर देता है, फैला देता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसके बाद अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण होता है जो प्रकाश की किरणों को जो है एक जगह पे मिला देता है, ऐसा गोलीय दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जो प्रकाश, बाद में हम लिखेंगे, आप इसको बाद में लिखेंगे, इस लाइन को पहले की तरह से करते हैं, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल इस तरह से अंदर की तरफ धसा हुआ हो, परावर्तक तल जिसका क्या हो अंदर की तरफ धसा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं, क्योंकि इसका परावर्तक तल जो है वो क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, परावर्तक तल अंदर की ओर धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये अवतल है, अवतल दर्पण, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण अपने पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है, यानी मिला देता है, अपने पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को अभिसरित कर देता है, यानी मिला देता है एक बिंदु पर, अभिसरित कर देता है, जैसे प्रकाश की किरणें इसके ऊपर आएंगी तो ये इन सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे ऐसे मिला देगा, ये आई इसको इधर अभिसरित कर देगा, ये आई इसको यहाँ मिला देगा, ये प्रकाश की किरणें इसको भी यहाँ मिला देगा, सब प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर मिला देगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम अभिसरित दर्पण बोलते हैं या अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को
एक स्थान पर मिला देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम हर रोज करते रहें। धन्यवाद।